हेलो गाइस, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ हेडजी न्यूज में। रानू मंडल की जो वीडियो अभी हर जगह पर सुनाई दे रही है, उनकी आवाज सुनाई दे रही है, तो उसके ऊपर अभी तक हिमेश रेशमिया का कोई भी रिएक्ट नहीं आया था। तो अभी तो चलिए जानते हैं उसके ऊपर अभी हिमेश रेशमिया ने कुछ बोला है, तो उन्होंने क्या बोला है उस वीडियो को लेके और क्यों वो इंप्रेस हुए थे रानू मंडल की आवाज को लेके, हम सब चीजों के बारे में आज की न्यूज में आपको बताने जा रहे हैं। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की न्यूज। आप लोगों को पता होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी और अतिंदर नाम एक शख्स ने वीडियो को वायरल किया था। वो एक्चुअली उसका पेशा है एक इंजीनियर है वो शख्स, और वो रानाघाट स्टेशन पे था और रानाघाट स्टेशन पे के पास में ही रानाघाट एरिया में ही रहता है, और उसने एक वीडियो वायरल की थी जो कि वीडियो आज घर घर तक पहुंच गई है। और वो महिला का नाम तो आपको तो पता ही होगा, यानी कि हम लोग आज बात कर रहे हैं रानू मंडल के बारे में। रानू मंडल की आवाज तो आज घर घर में है, और हाल ही में ही एक तेरी मेरी कहानी जो कि उन्होंने एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया है हिमेश रेशमिया के साथ मिलके, वो गाना तो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार पूरे सोशल मीडिया पे फैला हुआ है। हर जगह पर वो गाना सुनाई दे रहा है, पर वो गाने की एक छोटी सी झलक हिमेश रेशमिया ने खुद ही अपने इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर किया था, और उन्होंने ये भी बोला था जो कि उनकी आने वाली पिक्चर है, उस आने वाली पिक्चर में रानू मंडल जी को उन्होंने कास्ट किया है। तो आप लोगों को पता ही है कि रानू मंडल आने वाली हिमेश रेशमिया की पिक्चर में एक गाना गा रही है जो तेरी मेरी कहानी है, और उसी के साथ उनका अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया था। तो अभी हमारे सामने उनका एक रिएक्शन आया है जिसकी वीडियो उन्होंने खुद दोबारा से अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर की है, और उन्होंने उसमें डाला है, उन्होंने बोला है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ एक ऐसे टैलेंट से मिलके जो कि इतने टाइम से रानाघाट स्टेशन पे बैठ के 10 साल गुजार लिया, और उसके 10 साल गुजारे अपने पेट का गुजारा करने के लिए वो गाना गाती रही, और आज वो मेरे साथ मेरे स्टूडियो में है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और उनके साथ रिकॉर्डिंग करके भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उसी के साथ उन्होंने अतिंदर का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद किया। अतिंदर को उन्होंने बोला कि मैं आपका बहुत ही ज्यादा धन्यवाद करता हूँ, जिस तरीके से तुमने वीडियो बनाई और जिस तरीके से तुमने इस वीडियो को वायरल कर दिया, मैं तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में इतनी अच्छी आवाज आई है, हम पहचान पाए हैं, और रानू मंडल आगे आगे भी बहुत अच्छा काम करती रहेगी। और उन्होंने इसके साथ ये भी चीज बोली है कि उन्होंने आने वाली मूवी की सेकंड सॉन्ग भी उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो बहुत जल्दी में भी आपको सेकंड सॉन्ग की भी झलक दिखाई देने वाली है, और आई होप वो भी बहुत ही अच्छा जाएगा। तो गाइज, ये हिमेश रेशमिया ने अभी रिएक्ट दिया है उसके ऊपर, और बहुत ज्यादा खुश है रानू मंडल के साथ गाना गा के, और रानू मंडल की जिस तरीके से हेल्प की गई है, जिस तरीके से रानू मंडल आगे बढ़ रही है, तो सब लोग उससे बहुत ज्यादा खुश है। अगर आप भी खुश है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए। रानू मंडल की आवाज आपको कैसी लगती है? रानू मंडल कहाँ मूवीज में गाना गाना चाहिए उनको? आपको क्या लगता है कि इसके सिंगर के साथ गाना गाना चाहिए? तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। और अगर आज की न्यूज आपको अच्छी लगी तो जाते जाते एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।